आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग। यह आपके पाठ का नाम है। इसमें पशु पक्षियों का भोजन, जो पशु और पक्षियां हैं, पंछी हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, उनके भोजन क्या होते हैं, उसके सहायक अंग कौन से हैं जो उनके भोजन करने में सहायता करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। कुछ छोटे बच्चे हैं और एक चिड़िया है, देखिए इस चित्र में, ये इनकी बातों का जिक्र किया गया है। माँ हमें भूख लगी है, हमें भी आपके साथ चलना है। गौरैया बोली, नन्ही नहीं, तुम तो अभी उड़ भी नहीं सकते, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम लोग यहीं रहना, इधर उधर मत जाना। खाने की तलाश में गौरैया कई जगह गई लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए खाना नहीं मिला। अचानक गौरैया को छत पर एक लड़की दिखाई दी, वो खाना खा रही थी। गौरैया लड़की के पास जाकर बैठ गई। लड़की ने गौरैया से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? गौरैया बोली, मुझे और मेरे बच्चों को भूख लगी है। लड़की ने गौरैया को रोटी का एक टुकड़ा दिया, गौरैया ने चोंच से पकड़ा पर उसे उठा नहीं पाई। दूर बैठा एक कबूतर यह सब देख रहा था, वह उड़कर गौरैया के पास आया। कबूतर ने गौरैया से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? गौरैया ने कहा, हाँ, यह रोटी मेरे घोंसले तक पहुंचा दो। कबूतर अपनी चोंच में रोटी दबाकर गौरैया के साथ उसके घोंसले में गया, फिर वहाँ सबने मिलकर रोटी खाई। अब कह रहा है कि बच्चों सोचो और लिखो, तुम्हारे आसपास कौन कौन से पंछी दिखाई देते हैं, वे क्या क्या खाते हैं। यहाँ पक्षी का नाम लिखना और भोजन, जैसे गौरैया, कौवा, उसके गौरैया का भोजन क्या है, कौवा का भोजन क्या है, लिख देना है। पक्षी भोजन कैसे खाते हैं? हम अपना भोजन हाथ से पकड़कर मुंह में डालते हैं। पक्षी भी पंजे व चोंच की सहायता से अपना भोजन पकड़कर खाते हैं। पंछी के पंजे व चोंच की बनावट उनके खान पान के अनुरूप होती है। पक्षियों की चोंच एवं पंजे की बनावट फल, सब्जियाँ, अनाज के दानों को उठाने, छीलने, कुतरने, नोचने एवं पकड़ने में उनकी मदद करती हैं। गौरैया की चोंच छोटी एवं नुकीली होती है, इससे उसे अनाज के दानों को छीलने और फोड़ने में सहायता मिलती है। शक्कर खोरा की चोंच पतली और घुमावदार होती है, इससे वह फूलों के रस चूसने का कार्य आसानी से करता है। यहाँ पर देखिए गौरैया का चित्र दिया है, यहाँ का शक्कर खोरा का चित्र दिया गया है। बाज व चील की चोंच छोटी एवं आगे की ओर मुड़ी होती है तथा पंजे नुकीले होते हैं, इससे उन्हें भोजन को पकड़ने में आसानी होती है। पानी एवं उनके आसपास रहने वाले पक्षियों की चोंच इस प्रकार होती है कि वे कीचड़ एवं पानी में रहने वाले कीड़े एवं वन्य जीवों को पकड़कर आहार के रूप में ले सकते हैं। अब कह रहा है पशुओं का भोजन, पशुओं का भोजन क्या है देखेंगे। पंछियों की तरह पशुओं के भोजन में भी भिन्नता होती है। कुछ पशु केवल घास, हरे पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं। कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। मनुष्य की तरह पशुओं में भी भोजन करने में दांतों की प्रमुख भूमिका होती है। दांत भोजन को पकड़ने, काटने और चबाने में सहायक होते हैं। जानवरों के दांतों की बनावट उनके खान पान में मदद करती है। खाना चबाकर खाने के लिए पीछे के दांत अधिक मजबूत होते हैं। जो पशु अपना आहार मांस के रूप में लेते हैं उनके आगे के दांत अधिक नुकीले होते हैं। चित्र को देखो और समझो। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जिससे वह अपने भोजन को काटती है। घास या भोजन को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। शेर का आहार यानी कि भोजन मांस होता है। वह नुकीले दांतों की मदद से अपने भोजन को आसानी से खाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वह अपना खाना कुतर कर और काट कर खाती है, इससे उसके दांत घिसते भी रहते हैं। बच्चों ये इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगला हम इसके कुछ प्रश्न देखेंगे। भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है, आप लोग लिख लीजिएगा। पंछियों के पंजे एवं चोंच भोजन करने में किस प्रकार सहायक हैं। भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले पशुओं के दांत की बनावट कैसी होती है। ये तीनों का उत्तर एक बार वीडियो को पुनः एक बार देख लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।